नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंटरनेशनल खड़र चुंगी और चार कुतुब के बीच में बस्ती गई है और डेगा बस्ती। यहां पर अचानक से आग लग गई है खाली प्लॉट, लेकिन इसमें कारण नहीं पता क्या कारण है। शायद ज्यादा गर्मी का कारण यहां पे मान सकते हैं। देखिए किस तरह से यहां पे जितने लोग हैं इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रयास पर। देखिए लेकिन आग है वो तीव्रता से बढ़ती की जा रही है। देख सकते हैं किस तरह से पूरा कबाड़ यहाँ पे पड़ा था और कबाड़ में ये आग लगी है। देख सकते हैं इनको जितने ये लोग हैं यहाँ पे इसको बुझाने का अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो फायर की गाड़ी है वो अभी नहीं पहुंची है, क्योंकि ये जो आग है आसपास में देख सकते हैं झुग्गियाँ गए, झोपड़ियाँ गए, इनमें भी कहीं ना कहीं इस आग का जो दुष्परिणाम हो सकता है लगने का। देख सकते हैं ये कुछ लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों से जान लेते हैं आखिर किस तरह से ये आग लगी। क्या नाम आपका? क्या नाम है? सुनीता, कैसी लगी ये आग? ये वैसी लगी, पता नहीं कैसे लगी, आग तो यहाँ से नहीं है, पता नहीं कैसे लगी हुई है ये आग। अच्छा, तो ये यहाँ आग नहीं जला है, किसी ने नहीं करा था, पता कैसे? पता नहीं चला, ज्यादा गर्मी के कारण भी हो सकती है। धूप के काम से लगी होगी आग, लग गई होगी। तो इस बारे में फायर ब्रिगेड वाले को बुलाया आपने? नहीं बुलाया। क्या नाम आपका? कहते हैं। कहते कैसे लगी, कुछ पता चला कारणों का? कुछ पता नहीं, हम पता चला किसका कबाड़ था, कबाड़ रखा था यहाँ पे? कितना कबाड़ होगा, कितने रुपए का होगा? इतना कबाड़ यहाँ था? क्या क्या था कबाड़ में? मोम जाम गत्ते थे। अच्छा, सारा जलकर काग हो गया? सारा जल के, अब आप देख रहे हो सारा जल के। किस तरह लगी आग, ये लगी किस तरह? पता नहीं कैसे लगी आग। तो देख सकते हैं यहाँ पे आग के कारणों का भी पता नहीं चला आखिर किस तरह से ये आग यहाँ पे लगी है। आग देख सकते हैं कितनी भीषण आग यहाँ पे रही होगी। सारी जो बस्ती है वो धुआं धुआं हो चला गए और साथ में जो झोपड़ियां गए उनमें भी आग का खतरा है कहीं ना कहीं लगने का। अब देखते रहिए ए एन टी नेशनल, मैं अनुराग सिंह।